यहाँ ट्रेनिंग देने आया हूँ। आप देख सकते हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अंबिकापुर जिला सरगुजा डाइट, और यहाँ की बिल्डिंग है आप देख सकते हैं। मैं यहीं ट्रेनिंग देने आया हूँ। अभी 5 दिन का ट्रेनिंग है। जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, सरकारी शिक्षक, उनको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक जितने भी डिसेबिलिटी होते हैं, खास करके ऑटिज्म, मेंटल इलनेस, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, अटेंशन डिफिसिट, हाइपर एक्टिविटी, उसके अलावा मोबाइल एडिक्शन जिसको नोमोफोबिया बोलते हैं, और बिहेवियर प्रॉब्लम जो बच्चों में होती है, खास करके बच्चों में जो खास करके समस्याएं होती है, उस पर मैं 5 दिन ट्रेनिंग देने आया हूँ। आज दूसरा दिन है। आप देख सकते हैं ये अंदर का कंपाउंड का दृश्य मैं दिखा रहा हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे आप नाम से ही समझ रहे हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल कहां से आया? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि। आप लोग टीचर हैं, आप लोग को शायद पता होगा, आप लोग बीएड वगैरह किए हैं ना, सब बीएड डीएड किए होंगे, आप लोग साइकोलॉजी पढ़े होंगे, पढ़े हैं, उसमें आप बुद्धि जरूर पढ़े होंगे, पर्सनालिटी जरूर पढ़ेंगे। ये सब चैप्टर मुझे लगता है बीएड में है, पर्सनालिटी है, इंटेलिजेंस है, ये सब चैप्टर है। भले भूल गए होंगे उस समय, हंसते खेलते कर रहे, कितने साल पहले किए होंगे, मैं समझ रहा हूँ आप लोग को याद नहीं होगा, फिर से आप लोग को ले जा रहा हूँ। कई बार गलतियां उनसे भी हो जाती है, अनजाने में हो जाती है कई बार, तो उनके कारण भी बच्चे इंटेलेक्चुअल डिसेबल हो जाते हैं। उसके अलावा जो पैदा होने के टाइम बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, जैसे कई पेरेंट्स सोचते हैं कि, कई घर वाले सोचते हैं कि नहीं, नॉर्मल डिलीवरी ही हो। तो क्या बोला मैंने, हाँ, पैदा होने के समय कुछ चीजें होती है, जैसे मैंने 2 एग्जांपल दिया। उसके बाद पैदा होने के बाद, पहला पैदा होने के बाद क्या, बच्चा पैदा हुआ और उनको जॉन्डिस हो गया, मतलब पीलिया हो गया, बुखार आ गया, झटका आ गया, और ऐसे कुछ कुछ कारण होते हैं। और जब वो होते हैं तो बच्चे में होने का चांस बढ़ जाता है। डिलीवरी के टाइम बच्चा रोया नहीं, बच्चे को रुलाया जाता है, तो सभी जानते हैं, नहीं रोता जल्दी रुलाया जाता, ताकि वो रोए तो सांस ले, ऑक्सीजन ले, उसका फेफड़ा फूले। ऑक्सीजन लेना बहुत जरूरी होता है बच्चे, जरा सा भी डिले होता है रोने में तो बच्चे में प्रॉब्लम होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। अंडर वेट अगर कम से कम 2.5 kg ऐसे बोला जाता है होनी चाहिए बच्चे की वेट पैदा होने के टाइम। अगर वो अंडर वेट है, उससे कम है, तो बच्चे में ये होने का चांस ज्यादा होता है। कई बार होते प्री मैच्योर डिलीवरी होती है, जैसे आप सभी जानते हैं 9 महीने में बच्चे का, डॉक्टर भी टाइम देते हैं कि ये इसका ये अप्रोक्सीमेटली ये टाइम है, लेकिन कई बार 8वें महीने, 7वें महीने, कई बार होती है ऐसी चीजें और घटनाएं होती है, प्री मैच्योर डिलीवरी होती है, तो उसके कारण भी बच्चे इस तरह के प्रॉब्लम में जा सकते हैं। तो ये तो मैंने कारण बताया, ठीक करते हैं, है ना। एक पेरेंट्स भी है मुझे, एक उनके टीचर भी हैं, एक थेरेपिस्ट भी हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम है थेरेपी भी, तो आप लोग का एक बहुत बड़ा एक ये रास्ता, तो आप लोग को वो जानकारी थोड़ी सी रखनी चाहिए। तो किसी का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देखिए, उसमें परसेंटेज ज्यादा रहता है, तो वैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का भी परसेंटेज रहता है कि इतना परसेंट उनका प्रॉब्लम है, इतना दिमाग है मात्र, मान के चलिए सपोज बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी है तो 25% डिसेबिलिटी रहता है, मतलब 100 का 1/54 उनका प्रॉब्लम है, बाकी 75%, ठीक है। तो ये दोनों चीजों से हम कल को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, मतलब सामाजिक रूप से वो ये रहती है, उतना स्किल्ड नहीं होते, चालनाओं का सवे, वो सवेको के दोष, मतलब हाई मोटर और ग्रोस मोटर आप लोग जानते होंगे, मोटर एक्टिविटी है ना, तो वो सारी चीजों में कमियां होती है। सबेक मतलब इमोशन, कब रोना है, कब हंसना है, कब क्या करना है, सब इमोशन आप समझ रहे हैं ना, तो वो सारी चीजें कराता है। और विकास में लेट होता है, स्मरण शक्ति कमजोर होती है, वीक मेमोरी वीक होती है। देखिए एक ही चीज कमी है उसको, इंटेलिजेंस, लेकिन
उसके कारण उनकी पूरी पर्सनालिटी प्रभावित होती है। अबोर्ट को समझने में कठिनाई, एप्स एक अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आप लोग जानते होंगे, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं समझ रहे हैं। अरे बहुत बढ़िया मैडम, बहुत अच्छा, क्या बोल पीना या गुस्सा करना या चिड़चिड़ाना या उस समय कोई टेंशन लेना, आप समझ रहे हैं, मम्मी उस समय प्रेगनेंसी के टाइम में टेंशन लेती है, तनाव में रहती है, ओवर वर्क करती है, दिमाग का कसरत वाला काम ज्यादा है, जैसे बड़े पोस्ट में है या कोई ऐसा पोस्ट में है, जॉब कर रही है जहां पे ज्यादा दिमाग पे प्रेशर पड़ रहा है, तो वो सारी चीजें उनको सही नहीं रहता है, तो हमको उससे बचना रहता है करके, है ना। तो गर्भ मतलब पैदा होने के पहले की जो फैक्टर है उसको हम कैसा कंट्रोल करें, उसके अलावा जब डिलीवरी हो रही है उस समय हम कैसे, बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पीच नहीं बोल पाते हैं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे होते हैं जिसकी स्पीच डिले होती है, नहीं बोल पाते हैं या ठीक से नहीं बोल पाते हैं, तो उनको स्पीच थेरेपिस्ट के पास, फिजियोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जैसे ऐसे मैंने बताया कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल है लेकिन साथ में बहुत सारे प्रॉब्लम लेके आते हैं बच्चों, जैसे बोलने में लोकोमोटर प्रॉब्लम होने लगती है बच्चों में, तो साथ में इस तरह की फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी। उसके अलावा बिहेवियर प्रॉब्लम आप लोग सभी जानते होंगे, मैडम लोग अच्छे से जानते होंगे, ऐसे बच्चों में बिहेवियर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। मैं तो रखने वाला था एक टॉपिक बिहेवियर प्रॉब्लम और मोबाइल एडिक्शन पे दोनों, लेकिन टाइम कम है चूंकि बच्चों में आजकल बहुत ज्यादा पड़ रही है बिहेवियर प्रॉब्लम, जब से लॉकडाउन हुआ कोरोना हुआ उसके बाद से बच्चों में बिहेवियर प्रॉब्लम बढ़ या ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि हमारे पास ऐसे बच्चे बहुत आते हैं क्लिनिक में, पेरेंट्स का ये शिकायत रहता है कि सर जब से कोरोना हुआ है ना तब से ये बच्चा एग्रेसिव हो गया, मतलब उसके पास से ऐसा नहीं था ज्यादा, बिहेवियर प्रॉब्लम पड़े, बिहेवियर प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और लगभग हर एरिए में ऐसा केस आ जाता है, एक्चुअली सबके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि हम क्लिनिक में होने के बाद भी हमारे पास केसेस क्रिएट नहीं होते, असेसमेंट के हिसाब से हमारे पास केस पहुंच नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमें बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि उन्हें रिक्वायरमेंट है उस ट्रीटमेंट की और उसे सुधार सकता है और सुधार हुआ है, और इन सुधार के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वे हमारे सेंटर तक पहुंचे। और व्यवहार बार बार होती है, एक ही व्यवहार दो ही व्यवहार सब व्यवहार नहीं, कुछ स्पेसिफिक व्यवहार होते हैं वही रिपीट होते रहते हैं, तो अगर इस तरह की समस्या है तो सबसे पहले इसमें दोनों चीजें चलती है, एक तो फार्माकोथेरेपी और एक साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में एक सीबीटी करके कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी भी बोलते हैं उसको, काफी फेमस है वर्ल्ड में, सबसे बड़ी थेरेपी के रूप में इसको किया जाता है करके, तो कॉग्निटिव थेरेपी बहुत काम करता है, खास करके फोबिया में, डिप्रेशन में, ओसीडी में, ये सारी चीजों में। तो जो भी बच्चे हैं या बड़े हैं उसको ले आइए और उसका एक बार डिटेल असेसमेंट कर लेंगे और किस लेवल पे है ओसीडी उसको भी अपन देख लेंगे, और उसके बाद फार्माकोथेरेपी मतलब मेडिसिन और कॉग्निटिव थेरेपी साइकोथेरेपी दोनों हम लोग साथ में चलाएंगे तो इम्प्रूवमेंट होता है। हालांकि ये बीमारी जिद्दी होता है, ओसीडी जो होती है वो थोड़ी सी जिद्दी होती है, जल्दी मतलब थोड़ा सा टफ होता है इनका मैनेजमेंट, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि इसका मैनेजमेंट नहीं है, बात तो करता है हाँ। पर लिखवाएंगे थोड़ा सा बिहेवियर अलग लगता है, सिर बड़ा है उसका, बात तो वैसे करता है पर लिखता उसका कुछ नहीं, सिर्फ जाके कोने में सिर्फ बैठे रहेगा। अच्छा, तो एक मैंने बताया था ना अभी कि एक प्रकार है, हो सकता है कहीं वो ना हो, बृहद मस्तिष्क बोलते हैं उसको, लघु मस्तिष्क, बृहद मस्तिष्क, मतलब ऐसे प्रकार है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के, तो हो सकता है कहीं ना कहीं उसको कुछ प्रॉब्लम तो ना हो, जैसे मैंने आपको बताया कि कहाँ पे जाना है, इसमें पेडियाट्रिशियन के पास, बच्चे लोग का डॉक्टर के पास, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास, या साइकियाट्रिस्ट, यहाँ साइकियाट्रिस्ट लिखना मैं भूल गया हूँ, मनोचिकित्सक जो कि संदीप सर है हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में, और रितेश सर है हमारे नवापारा सर में, तो उनके पास लेके जाइए, या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से संबंधित जो भी हैं उनको दिखाइए, स्पेशल एजुकेटर जैसे मैंने बताया वो तुरंत समझ में आ जाता है करके, तो वहां पे उनको स्क्रीनिंग के लिए।
तो आरडीएस के का टीम है, आप उस एरिया के आंगनवाड़ी वर्कर या पिता कहा गया था गुरुवार, हम अपने यहाँ गुरुवार को बाजार लगता है साप्ताहिक, तो वहाँ पर वो बच्चा देखा गया था उस दिन काम करते हुए किसी के साथ में, कोई जैसे दुकान वगैरह में कुछ सामान ला दो, थोड़ा बहुत समझता था, पूर्ण रूप से मानसिक विक्षिप्त नहीं था, और जो अभी वहां पर बगल में है।